करता करूं न कर सकूं, पर गुरु करे सब होए। सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोय। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्त। दोस्तों, हमारे गांव में यानी कि बजीतपुर कटियन वाली में कबीर आश्रम में बहुत ही जबरदस्त सत्संग का प्रोग्राम है, जो कि आप देख सकते हो। बहुत ही सुंदर हमारी कुटिया सजाई गई है लड़ियों से, तो आप इसे देखकर एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, ये मेन गेट है मंदिर का। आज खुशी की बात यह है कि हमारे लक्ष्मण दास जी महाराज जी का जन्मदिन है, चौथ है आज। तो दो तीन दिन लंगर और ये सत्संग का प्रोग्राम चलेगा, तो बने रहिए इसी तरह। को बता देते हैं, हमारे कबीर आश्रम में श्री लक्ष्मीदास जी महाराज जी का आज जन्मदिन है, जो कि बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग यहाँ पर मोमबत्तियां जगाकर उनका स्वागत करते हैं दिवाली की तरह। ये हमारे लक्ष्मीदास जी महाराज, जो कि अपने मंदिर कुटिया में विराजमान है, हमारे कबीर आश्रम में विराजमान है, तो इनको एक बार सत सत नमन और सत साहिब जरूर बोले, ताकि गुरु महाराज की आज जन्मदिन पर आपकी भी मनोकामना पूरी हो जाए। तो ये देखो, चारों तरफ जगमगा रहा है हमारा कबीर आश्रम। बोलो गुरुजी महाराज की जय। तो दोस्तों, देख सकते हो ये मंदिर के अंदर का दृश्य है, जहाँ पर हमारे गुरुजी विराजमान है, और ये सत्संग हाल है जहाँ पर कि सत्संग अभी चल रही है। ये देखो लोगों की भीड़ देख सकते हो आप, बाहर से बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं सत्संग के लिए। बहुत ही मान्यता ने हमारे गुरुजी थे, जो कि एक परमात्मा के स्वरूप थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका ये कुटिया मंदिर और ये कबीर आश्रम, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर जगमगा रहा है और लोगों की भीड़ आप देख ही रहे हो। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें। मोमबत्तियाँ, दिए देखो कितने सुंदर जगमगा रहे हैं, जैसे कि आज दिवाली हो। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर दिवाली की तरह ही हमारे लक्ष्मीदास जी का जन्मदिन मनाया जाता है कबीर आश्रम में, और तीन दिन के लिए सत्संग चलती है उस टाइम। तो आप भी सत्संग सुनने जरूर आएं, जहाँ से भी हमारी आप वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो में सत्साहिब जरूर लिखना, और हमारे गुरुजी महाराज के इस जन्म दिहाड़े पर एक बार बजीतपुर कटियन वाली में सत्संग का प्रोग्राम और हमारे इस मंदिर को देखने जरूर आना। बहुत ही सुंदर बना हुआ है, लोगों की भीड़ यहाँ पर बनी रहती है, सुबह सुबह दर्शन के लिए लोग रोज़ आते हैं और मत्था टेक कर जाते हैं। तो आप भी एक बार आएँ, आपकी भी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो ऊपर का दृश्य आपको दिखा देते हैं। ये देखो, मंदिर के छत पे हम चढ़े थे, वहाँ से ऊपर का सीन हमने लिया था। लंगर हाल में लंगर चल रहा है, लोग भोजन के लिए तैयार बैठे हैं। अभी लंगर चलने वाला है, शौर्य अभी लंगर चलने वाला है, तो यहाँ पर वेटिंग चल रही है। कुछ लोग नीचे की तरफ यहाँ पंडाल में बैठे हुए हैं और कुछ ऊपर की तरफ भी बैठे हुए हैं। ये हमारे गांव का दृश्य है, आप देख सकते हो, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ये देखो, ये मंदिर के अंदर पौड़ी और पौड़ियों के ऊपर जहाँ पर हाल बने हुए हैं, वहाँ पर भी लंगर का प्रोग्राम है। तो यहाँ से देख सकते हो पूरी डेकोरेशन की हुई है मंदिर की। तो जल्दी से सत्साहिब जरूर लिखना कमेंट में। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर का दृश्य आपको दिखा देते हैं, ये मेन गेट की तरफ है और यहाँ से ये मेन गेट है, अभी देख सकते हो आप। और इधर की तरफ आपको दिखा देते हैं नीचे का हाल, और ये साइड का, यहाँ से मंदिर का दृश्य आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। ये देखो, ध्वजा भी लहरा रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हो पर्दे की डेकोरेशन बहुत ही सुंदर की गई है, और अंदर लोगों की भीड़ आप देख रहे हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कर देना। और अभी लंगर का प्रोग्राम चलने वाला है, तो यहाँ पर लंगर भी तीन दिन के लिए लगातार चलता है। तो आप हमारी सत्संग में आएं और लंगर का प्रसाद ज़रूर ग्रहण करके जाएं। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये भी अभी ऊपर का हाल ही आपको दिखा रहे हैं, जितनी डेकोरेशन आपको दिखा रहे हैं। तो आपको डेकोरेशन कैसी लगी आप जल्दी से कमेंट में बताएं, कितनी सुंदर की गई है लाइटिंग और डेकोरेशन का जो वर्क है, बहुत ही सुंदर किया गया है हमारे कबीर आश्रम में। तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों, ये था हमारे कबीर आश्रम में पहले दिन का
प्रोग्राम जो कि शाम को हुआ था, और लंगर का जो प्रोग्राम है मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा आपको।